आईपीएल के वैसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज खराब हो गई है तो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स पागल हैं जो इतनी खतरनाक ट्रेनिंग कर रहे हैं इस सीक्रेट टीम के साथ खेलने के लिए न्यूजीलैंड भेज रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज जो वीडियो हम काफी दिनों से बनाना चाह रहे थे लेकिन आईपीएल भी था, काफी न्यूज आ ही जा रही थी तो हमने सोचा एक साथ ही वीडियो बना लें। अब मतलब मैं क्या बोलूं, खाली एक आपको बात बताता हूं भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट होने वाली है जो कि पाकिस्तान में होनी है। मतलब न्यूजीलैंड टूर कर रही है पाकिस्तान का, कितनी खुशी की बात है। न्यूजीलैंड टूर नहीं कर रही, न्यूजीलैंड की स्कूल की टीम टूर कर रही है। हाई स्कूल की टीम भेज दी यार। अच्छा अभी कुछ मैं देख रहा था वीडियोस वगैरह कमेंट्स वगैरह के, लोग अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि नहीं नहीं यार बी ग्रेड टीम नहीं है, सी ग्रेड टीम नहीं है, बी ग्रेड टीम है। यार अगर सी ग्रेड टीम नहीं है तो अगर बी ग्रेड टीम भी है ना, फिर भी यार मैं क्या बोलूं यार, मतलब सिर्फ फिन एलन, उसके बाद आपका जिम्मी नीशम, फिर सोडी, यार ये कुछ ऐसे बंदे हैं जो वर्ल्ड कप खेल चुके, बाकी पूरी की पूरी टीम नहीं आ रही भाई। और ये मैंने एक्सपेक्टेशन की थी, ये हाल है कि पाकिस्तान उस पे ट्रेनिंग कर रहा है, सोचो। अब चलो वो तो खैर ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन चलो वो तो वर्ल्ड कप के लिए भी उसका अच्छा हो जाएगा ट्रेनिंग का सेशन। लेकिन आप ये देखो कि यार ये जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, अब हम किससे शिकवा करें? अब यहाँ पे बैठ के आप ये बोल सकती हो कि आईपीएल ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज खराब कर दी, जो कि सच है कहीं हद तक। देखो सच है, लेकिन इसमें आप बताओ गलती आईपीएल की या हमारी है या फिर न्यूजीलैंड की। चलो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे बताओ इसकी पैसे की। देखो डैनी मिचेल है, केन विलियमसन है, रचिन रविंद्रा है, सारे वो और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं खरीदे गए, ट्रेंट बोल्ट है, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेलने में बिजी है। तो भाई अगर आप लोगों का, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, बार बार जिक्र करूंगा, एक बात बार बार बोलूंगा, इसमें सिर्फ आप लोग अपने आप को दिलासा दे सकते हो आईपीएल के ऊपर उंगली उठा के कि भाई आईपीएल ने पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज खराब की, अपनी चीजों की देखो, ठीक है, अपनी चीजों की देखो। यार अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले रावलपिंडी स्टेडियम की, उसका रेनोवेशन हुआ है, ठीक है ना, मतलब चैंपियन ट्रॉफी के लिए रेनोवेशन कर रहे हैं। जो चीज अच्छी है वो बोलूंगा, अभी बोल भी रहा हूँ कि भाई अच्छा स्टेडियम बनाए, दिख रहा है एक लुक आ रहा है स्टेडियम में, ठीक है। लेकिन यार वही वाली बात होती है ना, अभी पीएसएल हुआ, शुरू हुआ, खत्म हो गया, अभी आईपीएल का एक समझ लो एक दौर चल रहा है यार। मतलब मैचेस पे मैचेस, हर मैच अच्छा हो रहा है, फलाना प्लेयर, हम उन प्लेयर्स को आईपीएल खेलते हुए देख रहे हैं जिनको हमने वर्ल्ड कप में देखा है, ऐसा लग रहा है कि सब मिलके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। अरे भाई कल वाले मैच में केन विलियमसन खेल रहा था यार गुजरात से, केन विलियमसन को बोला यार मुझे नहीं फिकर, वो न्यूजीलैंड पाकिस्तान जा रही है, छोड़ दो, मसला नहीं है, मैं कोई और सीरीज देख लूंगा, अभी मैं गुजरात के साथ खेलूंगा। अब हमें ये बुरा नहीं लग रहा कि भाई केन विलियमसन कप्तान क्यों नहीं आ रहा, कप्तान वो पता नहीं कौन माइकल ब्रेसवेल है, मैं तो पता नहीं फर्स्ट टाइम नाम सुना है। अभी ये स्क्वाड आपके सामने आ रहा होगा न्यूजीलैंड का, ये मैंने जिंदगी में पहली दफा इतने से इतने सारे बंदे जो मैंने नाम सुना है, यकीन करो यार, और इस तरह की सिचुएशन है बाबर। अच्छा अब कंपैरिजन किया जाए हमारे स्क्वाड का तो हमारे प्रॉपर होंगे, कोई बाबर आजम भी होगा हमारे स्क्वाड का, तो ये देखो बाबर आजम वापसी से कप्तान बन गए, एक तो ये समझ नहीं आता, अबे यार सो अगले दिन कोई और कप्तान, फिर सो के उठो फिर कोई और कप्तान, भाई एक चीज अगर शाही तो हमें भी तो अपनी सीग्रेन टीम खिलवानी चाहिए। तो भाई टीम हमारी फिलहाल अभी देखो अच्छी है, सीग्रेन टीम क्या भेजोगे यार, अब तकरीबन हमारे सारे नए बंदे खेलेंगे। अभी बाबर आजम एक बात अच्छी है कि भाई वापसी से, मेरे लिए तो मैं फैन हूँ बाबर आजम का, तो भाई बाबर आजम वापसी एक दफा टीम लीड करेगा, ठीक है, और वही स्क्वाड होगा जो इस तरह से रूमर्स आ रहे हैं कि सेम अयूब, रिजवान, फखर और अपना फखर जमान, ठीक है। देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि मोहम्मद आमिर को खिलाते नहीं खिलाते, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट वापसी ली है, मोहम्मद आमिर भी आ रहे हैं टीम के, इमाद वसीम को खिलाते नहीं खिलाते, तो यार ये कुछ चीजें खुशी भी होती है। अभी जब ये न्यूज आ रही थी कि यार मोहम्मद आमिर आ गया, इमाद वसीम आ गया, तो खुशी हो रही थी कि वर्ल्ड कप के लिए थोड़ी सी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इनफैक्ट खुद अभी इंडियन मीडिया का मैं देख रहा था, उन्होंने खुद बोला है कि भाई पाकिस्तान के पास ना अभी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, जमान खान, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मतलब वो बोल लेते यार ये जो बॉलर्स है ना पांच, ये इनका लाइनअप बहुत बेहतरीन है पेसर्स का। तो भाई स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन यार वही वाली बात है, जब इस तरह की मैं सीधा बोलूंगा बेइज्जतियां होती है ना, कि अभी अगर मैं छोटी सी आपसे एक बात बोलता हूँ, ठीक है, पीएसएल अगर अभी चल रहा होता और इंडिया का टूर कर रही होती इंग्लैंड, लो टूर की बात है, तुम तो अंबानी की शादी को भूल गए, अंबानी की शादी में लोग पहुंच गए। अबे तो ये चीज मैंने पता नहीं कौन सी वीडियो में बोली थी अपनी यार, लेकिन मैंने बहुत पहले एक्सपेक्ट कर लिया था कि न्यूजीलैंड तो माशाल्लाह खेला ही नहीं, आप ये देखो न्यूजीलैंड की, अच्छा वो गुजरात के साथ खेल रहा है, अब गुजरात के साथ खेल रहा है, यही भी खेल रहा है। अब इसमें है ना, सिर्फ हम जिस दिन उंगलियां उठाना छोड़ देंगे कि यार आईपीएल ने ये कर दिया, इंडिया की वजह से ये हो गया, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी का मना कर रही है, ये कर रही है, लेकिन इस सीरीज से हमारी आगे वाली चैंपियन ट्रॉफी का
भी बहुत बड़ा हाथ होगा। अब मैं 100 बातों की एक बात कर दूं, ठीक है यार, अगर आप लोगों ने अपना पीसीबी बोर्ड अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग कर लिया, हम लोगों ने अपने ग्राउंड्स अच्छे कर लिए, मैनेजमेंट अच्छी कर ली, चैंपियन ट्रॉफी को होने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में एक रिस्पेक्ट बना ली, तो मेरे भाई हर बड़ी टीम यहाँ पर आके खेलेगी भी ना, कोई आईपीएल का लिहाज करेगी कि भाई नई टीम है, टीम खेलेगी जाके, क्योंकि आईपीएल ने, इंडियन क्रिकेट टीम ने, बीसीसीआई ने अपनी एक क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर वैल्यू बनाई हुई है, और वो वैल्यू बनाने में हम बहुत अरसे से नाकामयाब हुए हैं भाई।